अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरा टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो एक बटन दिया गया है उसको रेड कलर का होगा, जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उस पर टिक कर दें, जो सब्सक्राइब हो जाएगा। व्यूअर्स, जो अब आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्पेशली फीमेल्स के लिए है। और शर्मगाह पर जो ख़ारिश होती है ये एक बड़ी ख़तरनाक होती है, जिससे सेक्स की डिज़ायर भी बढ़ जाती है, लेकिन शर्मगाह पर जो ख़ारिश होती है बंदों को, स्पेशली मैं अगर लड़कियों की बात करूं तो उससे स्किन भी ख़राब हो जाती है, और उससे बंदा इतना परेशान हो जाता है कि फिर ये जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। और रहम की ख़ारिश और फुंसियों का आज मैं देसी इलाज भी आपको बताऊंगी। इसका इलाज, अगर रूहानी इलाज अगर देखा जाए तो ये है कि सूरह कदर 7 मरतबा पढ़ के आप पानी पे दम करके पी लें तो इंशाल्लाह ये ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो सैलानुर रहीम या वर्दुल रहम की शिकायत, मजमन हो जाने पर रहम में ख़ारिश होती है और बाद अवकात छोटी छोटी फुंसियाँ भी हो जाती हैं, और रहम के मुंह में बाद अवकात ख़ारिश के बाद जख्म भी बन जाते हैं। तो रहम की ख़ारिश और फुंसियों की अलामत ये है कि ख़ारिश और सूजिश होती है, और अगर फुंसियाँ हों तो उंगली डालने से मालाम होती हैं, अगर जख्म हो तो इनसे मवाद, पीप वगैरह ख़ारिज होती है। ख़ारिश की वजह से सोहबत की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है, और बाद अवकात ख़ारिश की ज़्यादती के बाइस रहम बाहर को निकल आता है। रहम की ख़ारिश और फुंसियों का इलाज बहुत ही आसान है, जिसके लिए हम किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, और हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि इसका इलाज हम डॉक्टर को जाके किस तरह से बताएं। स्किन भी काली हो जाती है और ख़ारिश इतनी इंतहा तक पहुँच जाती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। इसके लिए मैं एक आसान टोटका तो आपको ये बताऊँ कि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो मेरे पास आती हैं, इसका आसान टोटका तो ये है कि नीम गर्म पानी में डाल के आप रोज़ नहाएं, और उसमें डिटोल में डिटोल, अगर आप ज़्यादा डिटोल से नहीं नहा सकते तो आप जब पूरा नहा लें तो एक गिलास जो जिससे आप नहा रहे हो उसमें आप 2-3 ढक्कन डिटोल के डाल के सिर्फ वो जिस्म पर और उन जगहों पर डाल दें जहाँ पर ख़ारिश हो, ख़ासतौर पर शर्मगाह की जगह पर, तो ये ख़ारिश जड़ से ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप कपड़े वगैरह पहने तो उसको गर्म पानी में उबाल कर धो लें, ठीक है। रहम की ख़ारिश और फुंसियों का इलाज में सबसे पहले इस मर्ज़ का सबब मालूम कर लें। लेकोरिया हो तो इसका इलाज करें, अगर वरम की शिकायत हो तो वरम का इलाज करें। जब ये असबाब दूर हो जाएंगे तो दर्ज ज़ेल नुस्खे ख़ारिश और सोजिश के लिए इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि रहम में जो ख़ारिश होती है कुछ वजूहत की वजह से होती है, या तो जो लेकोरिया का पानी होता है वो हर वक्त लगा रहता है जिसकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है, या इसका दूसरा, पहले उन वजह को आपको ख़त्म करना है। हमदर्द की साफी सुबह शाम पिए, पोस्ट अनार पानी में उबाल कर इससे जाए मखसूसा धोएं, और खाने की दवाई अत्री फल शाहतरा अर के शाहतरा के साथ खिलाएं, और इसके साथ साथ शरबत अनाब सुबह शाम 4-4 तोला इस्तेमाल करें। हमदर्द के जोहरी कैप्सूल भी ख़ारिश के लिए बेहतर है। इसके अलावा ये नुस्खा इस्तेमाल भी कर सकते हैं शाहतरा, चराइता, सरफोका, मंडी, बोटी, हलीला, सिया सुंदुल सर्क, एक साथ माशा अनाप 5 दाना रात को आधा किलो गर्म पानी में भिगो दें, और सुबह उठकर मल छान कर 4 तोला शरबत अनाप मिलाकर पिएं। रहम की ख़ारिश और फुंसियों का इलाज दौरान इलाज परहेज़ आपको करनी है, परहेज़ से आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गरम और मसालेदार अशिया से आग के पास बैठने से ज़्यादा काम काज करें और सोबत से परहेज़ करें, क्योंकि इससे दूसरे बंदे में भी जो है, जो आपके शोहर है उसमें भी ये बीमारी लग सकती है, और ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें सुकून नहीं मिलता है बंदे को। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, और उस जगह को ज़्यादा गर्मी ना लगने दें, ज़्यादा पसीने नहीं आने चाहिए। आप चाहें तो दिन में 2-3 मरतबा भी नहा सकते हैं, इससे ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और लाल मिर्च का कम से कम इस्तेमाल करें, और मीठी अशियाएं कम खाएं, हल्की जू हजमदार गिजाएं खाएं, बकरी के गोश्त का शोरबा या मूंग की दाल से चपाती खाएं, दूध और फ्रूट का, जो फ्रूट होते हैं उनका इस्तेमाल कसरत से करें। ख़ास तौर पे वो खवातीन जो घर बैठकर चाहती हैं कि वो डॉक्टर के पास ना जाएं क्योंकि वो शर्म महसूस करती हैं, और
उनकी जगहें भी, इस शर्मगाह की जगह भी काली पड़ गई है, तो उस पर कोई अच्छा सा लोशन लेके लगाएं और इसका एहतियात करें और साफ सुथरा रखें इस जगह का। हाइजीनिक होनी चाहिए और सफाई सुथराई का ख्याल करें, साबुन से साफ करें, कोई डिटोल वाला हो, एंटीसेप्टिक साबुन, खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल ना करें। एंटीसेप्टिक साबुन डिटोल का आ गया, वो इस्तेमाल करें, डिटोल इस्तेमाल करें। आपकी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर करें, ये सदका जारिया भी है। और अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।